पंजाब काबीना में तौसी, 12 नए वुजरा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने वुजरा से हल्फ लिया। नए वुजरा में पीर सैयद सईदुल हसन शाह, मेहर मोहम्मद असलम भरवाना, सैयद हुसैन जहानिया गुरदेजी, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद इखलाक, आशपा रियाज, शौकत लालेका, जवार हुसैन बड़ाइज और एजाज मसीह शामिल। मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद खालिद महमूद और जहांजेब खिच्ची ने भी हल्फ उठा लिया। तकरीब में वजीर आला पंजाब की भी शिरकत। पंजाब हुकूमत का नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की पेरोल की मुद्दत 3 दिन बढ़ाने का फैसला। शरीफ खानदान को हर मुमकिन सहूलत कानून के मुताबिक देंगे। जनाजे में ताखीर होने पर पेरोल की मुद्दत मजीद बढ़ा दी जाएगी। जराए पंजाब हुकूमत, जाति उम्रा में 3 कमरे सब जेल करार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नकलो हरकत महदूद, सिर्फ खानदान के अफराद को मिलने की इजाजत होगी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज जाति उम्रा में मौजूद, नवाज शरीफ बीमार पड़ गए। जाति मौलिज का आराम करने का मशवरा। नवाज शरीफ का गला खराब और हल्का बुखार भी है। आज ताजियत करने आने वालों से नहीं मिल सकेंगे खानदानी जराए। साबिक खातून अव्वल की मैयत जुमे की सुबह लाहौर पहुंचेगी। तदफीन जाति उम्रा में मियां शरीफ के पहलू में की जाएगी। शहबाज शरीफ कुलसूम नवाज की मैयत लाने के लिए लंदन चले गए। जाति उम्रा में सोग, लीगी रहनुमा अफसरदा, ताजियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी। हमजा शहबाज फैमिली के हमरा जाति उम्रा पहुंच गए। जावेद हाशमी, खुरम दस्तगीर, आसिफ किरमानी, राना मोहम्मद इकबाल, लॉर्ड मेयर समेत पार्टी रहनुमाओं की जाति उम्रा आमद। कुलसूम नवाज ने जमहूरियत की जंग लड़ी, परवेज मुशर्रफ की आमरियत को ललकारा। सियासी जिद्दोजहद में हमारी साथी थी। कुलसूम नवाज वेंटिलेटर पर थी और लोग प्रोपागंडा करते रहे। जावेद हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। खुरम दस्तगीर खान का कहना है कि कुलसूम नवाज ने जाबिर हुक्मरान के सामने कलमाए हक कहा। और उसी बीमारी में मुब्तला 13 साल बच्चे मुशर्रफ जुबैर का इंतकाल। वर्सा का सबसे अस्पताल के सामने एहतजाज। डॉक्टरों पर इलाज में गफलत करने का इल्जाम। लवाहिकीन बच्चे की लाश लेकर प्रेस क्लब के सामने पहुंच गए। आला हुक्काम से नोटिस लेने की अपील। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से USAID के वफ़द की मुलाकात। तालीम, सेहत, ज़राअत, तवानाई और रोजगार के मौके बढ़ाने के शोबों में तआवुन पर तबादला ख्याल। वजीर आला पंजाब से नए IG मोहम्मद ताहिर की भी मुलाकात। उस्मान बुजदार का कहना है कि पुलिस में तब्दीली नजर आनी चाहिए, ऐसी पुलिस जो साइलिन की हकीकी खिदमत कर सके। हाई कोर्ट का मियां मीर कब्रिस्तान के तमाम एहातों को मिसमार करने का हुक्म। 14 सितंबर को सुबह 9 बजे एहाते मिसमार करने का काम शुरू किया जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी, लाहौर न्यूज ने मियां मीर कब्रिस्तान में एहातों की निशानदेही की थी। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर पाबंदी आए। कम उम्र बच्चे चिंग चिंग रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ी नहीं चला सकते। कम उम्र ड्राइविंग करने वाले बच्चों के वालदेन को पहले मरहले में तलब करके बयान हल्फी लिया जाए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। फूड अथॉरिटी की रिजवान पार्क में कार्रवाई। बशीर कोला फैक्ट्री को मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतल तैयार करने पर सील कर दिया। कॉस्मेटिक्स, कलर्स, केमिकल्स, मस्नूई मिठास और जायकों के इस्तेमाल से जाली बोतलें तैयार की जा रही थी। डीजी फूड अथॉरिटी। सुबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल की समनाबाद में खुली कचहरी। अहले इलाका ने मसाइल के अंबार लगा दिए। मियां असलम इकबाल की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। मुतालिका हुक्काम को साइलिन के मसाइल हल करने की हिदायत। ओहदा संभालते ही अदालत में पेशी। शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज न करने की तौहीन अदालत का केस। IG पंजाब मोहम्मद ताहिर और CCPO हाई कोर्ट में पेश। अदालत का 24 घंटे में मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुहर्रम उल हराम का आगाज। शहर भर में मजालिस, इमाम बारगाह, अतिया अहले बैत, निकलसन रोड और इमाम बारगाह, गुलिस्तान जहर, एबर्ट रोड पर मजालिस का अहतमाम। जाकरी ने मसायब अहले बैत बयान किए। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम। 15,000 अहलकार ड्यूटी देंगे।
सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। मजालिस और जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। इंटरमीडिएट के पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में फ्लैटीज होटल में तकरीब। वजीर बराए आला तालीम राजा यासिर हुमायूं ने पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के होनहार तलबा में इनामात तकसीम किए।